दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बटन और लैस की मदद से बहुत ही खूबसूरत फ्रंट नेक डिजाइन बनाना बताऊंगा, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने किसी भी सूट में। तो चलिए हम इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने गले का ब्रॉड नापते हैं। तो ये गले का ब्रॉड हमारा 6 इंच है, हम इसको अभी हटा देते हैं। तो दोस्तों हमने नापा डबल में 3 इंच। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बुकरम लेनी है जिसकी लेंथ करीब 15 इंच के आसपास होगी। अगर आपकी बुकरम नीचे से गला कटिंग कर रखा है पहले तो भी वो वाली चलेगी बुकरम, ठीक है। ऐसे लेंगे तो इसमें आपकी बुकरम ज़्यादा खर्च नहीं होगी। और आपको यहाँ पे निशान लगाना है 3 इंच में, 1 3 इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से इंची टेप की मदद से सीधा कर देंगे। गले का टिप जैसे है आपका 7 इंच, तो यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद एक निशान यहाँ पर तिरछे में लेने के बाद 8 इंच पर लगाएंगे। ये सब निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे जो आप गले की शेप देंगे वो देंगे गोल गले की शेप। तो चलिए हम यहाँ पे गोल गले की शेप देते हैं। गोल गले की शेप देने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको ये निशान लगाना है ऐसे तिरछे में। और ये निशान लगाने के बाद आपको इस तरफ से 1.25 इंच के आसपास निशान लगाते हुए आना है। ये निशान लगाने के बाद अब आपको इस जगह से, जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ऐसे निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे राउंड कर देना है। और फिर जो ये निशान था 1.25 इंच वाला, इस निशान पे आप इसको इस तरीके से गोलाई में लेते हुए बिल्कुल ऊपर तक इक्वल मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ये हमने यहाँ पे मिला लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले राउंड गले को कटिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ से कटिंग करना दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छा व्यू में देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राउंड गले को कटिंग करते हैं अपनी। तो ये देखिए दोस्तों हमने गोल गले को कटिंग कर लिया। गोल गले को कटिंग करने के बाद आपका ये वाला जो हिस्सा है, आप इसको अगर आपका लगे कि 19-20 है तो आप इंची टेप से नाप नाप के अच्छी तरह निशान लगा लें, क्योंकि ये चीज़ आपकी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, तभी आपकी अच्छी तरह फिनिशिंग बैठेगी, ठीक है। उसके बाद अगर लगता है आपको ओके है तो आप इसे कटिंग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग करते हैं और इसको पूरा नीचे तक जैसे ऐसे निशान लगाए हैं सेम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गले को कटिंग कर लिया, ये आपका इस तरीके से गला कट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों ये गला कटिंग करने का सेम कलर का हमें कपड़ा लेना है और आप इसको इस तरीके से रखेंगे जैसे मैं रख रहा हूँ। और रखने के बाद आप इसको इतना इतना कटिंग कर लेंगे। और अब ये कैसे बनेगा तो इसके लिए चलते हैं मशीन पर और आपको बनाना बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको ये जो कपड़ा लेना है, जैसी कमीज का कलर होगा उसी कलर का आपको कपड़ा लेना है। अगर आप कंट्रास्ट में बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रास्ट कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पर देखिए गले पे इस तरीके से कच्ची सिलाई लगानी है, जो कि हमें सिलाई बाद में खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने देखिए कच्चा कर लिया पूरा गला। अब कच्चा करने के बाद इसको ऐसे करें और ऐसे करने का ये वाला जो हिस्सा है इस पर सेंटर में आप इसको ऐसे करेंगे, जिस तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में ही आपको नीचे तक सिलाई लगा के लानी है, जिससे कि ये वाला हिस्सा आपका उठ रहा है ये भी बैठ जाए। यहाँ तक आने के बाद इसको हटा देंगे और धागे को कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आप इसको पहले तो धागे जो भी आ रहे हैं उसे कटिंग कर लो। इसको गोलाई में इस तरीके से कटिंग कर लें और गोलाई गोलाई में आपको इस तरीके से कैंची की मदद से कट लगानी है, जिससे कि आपका कपड़ा अच्छी तरीके से गोलाई में बैठ जाए और आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी गला पलटने में। फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से बुकरम के बराबर से आप इसको कपड़े को पलटते जाएँ और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाते जाएँ। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे ये जितने भी कपड़े हैं कट कट में आप इसको ऐसे फलटेंगे पलटेंगे तो देखिए बड़ी फिनिशिंग के साथ ये आपके बैठते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आने का इसको ऐसे करें और सिलाई लगाएं, फिर इसको ऐसे करके ये वाले हिस्से को भी ऐसे करेंगे और फिर सिलाई लगाएं। तो दोस्तों जितना हाफ हमने आपको करके दिखाया सेम इधर वाले हिस्से को भी आपको बिल्कुल सेम कच्चा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे अपने कपड़े को कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमने कच्चा करा था वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने कट लगा लिए। ये कट क्यों लगाएं आपको बाद में पता चलेगा। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे और करने के बाद अपनी लैस लेंगे। ऐसी लैस दोस्तों आपको मतलब किसी भी शॉप पर आराम से बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको ये वाली लैस लेनी है और इसको आप अपने यहाँ पर इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर लगाएंगे आप सिलाई
और जैसे ऐसे गला घूमेगा बस आपको लैस बिठाते जाना है और यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है जिससे कि आपकी लैस यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो चलिए पूरे गले में घुमाते हुए इसको लैस को लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी लैस लगा लेनी है। जब आप ये लैस लगा लेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर गले को इस तरीके से पहले ही क्रीज बनाने के बाद कट कर लिया था। अब हम अपना लेंगे फ्रंट वाला हिस्सा और उसको इस तरीके से रखेंगे। बैक साइड से हमने देखिए यहाँ कट कर रखा है, आपको अपने गले का कट इस तरीके से रखना है कमीज के कट से और यहाँ पर सिलाई करनी है और गले की मतलब गले की क्रीज को अपनी कमीज की क्रीज से मिला के सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से जम जाएगा जब गला फिर यहाँ पे कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद आप इसको इस तरीके से अपने कुटके से मिलाएंगे जो कट है और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई और उस तरीके से सिलाई लगानी है जैसे हम अपने हर गले को पलटते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही सिलाई लगानी है पूरे गले में। जब आप यहाँ पर सिलाई हटा लेंगे तो यहाँ पर आपको इतना इतना कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है पूरे गले को और कटिंग करने के बाद गोलाई में आप इसको इस तरीके से कट लगा लें। जब गोलाई में कट लगा लेंगे फिर आप इसको बाहर की तरफ इस तरीके से पलटेंगे। ये देखिए ऐसे करके बाहर की तरफ आपको ये पलटना है और यहाँ पर आप यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है किनारे पर पूरे गले की आप सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, ये जो सिलाई लगी है हमारे सेंटर में इसको अपनी कमीज की क्रीज के सेंटर से इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको कच्ची सिलाई लगानी है जिससे कि आपका ये वाला हिस्सा बैठ जाए। फिर यहाँ पर लाने के बाद इसको भी हटा लेना है। तो देखिए जब आप यहाँ पे कच्चा कर लेंगे तो ये हिस्सा आपका बैठ जाएगा। अब जो ये चीज़ उठ रही है आपकी आपको यहाँ पर इस तरीके से लेके आना है और इधर किनारे पर सिलाई लगानी है जिससे क्या होगा आपकी ये जो चीज़ उठ रही है बैठ जाएगी और अच्छी तरह सिलाई लग जाएगी। तो चलिए हम पूरे गले में इस पर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से। आपको ऐसे सिलाई लगा के लेके आना है बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के हाथ से और झोल ना पड़े किसी चीज़ की, ये ध्यान रखना है। फिर आप इसको इस तरीके से लाएं सेंटर में और जैसे आपने हाफ में सिलाई लगाई है सेम ये वाले हिस्से को भी आप सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगा के हमारा गला जम चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने कट लगाए थे आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो ये देखिए आपका जो है इस तरीके से धागे निकल जाएंगे। आप इसको इस तरीके से कर लो तो आपको खोलने की मेहनत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा गला अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये लेस यहाँ पर भी लगानी है तो आपको क्या करना है, अपने गले को थोड़ा सा ब्रॉड कटिंग करें जिससे कि लेस कवर कर लेगी। ठीक है, मैं इसमें लेस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर आपको लगानी है तो ये लेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सारा कच्चा खोल लेकर आपको गले की फिनिशिंग दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा गला बनके तैयार हो चुका है। इसमें आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा, उसे नोट कर लें। सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ बुकरम की जगह पेपर वेस्टिंग लगानी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये जो प्लेन जगह दिख रही है आप इधर ये वाली लैस भी लगा सकते हैं या इस कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं पाइपिंग लगाऊंगा नहीं ना लैस लगाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर सिंपल इस तरीके के आपको बटन आपको रखने हैं जितने भी अच्छे लगे इस तरीके से सेट कर देने बटन को। तो ये देखिए यहाँ पर मैं चार बटन को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस गले की लुक आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बटन लगा लेने, आप देखना बहुत ही प्यारी लुक और सिंपल में और प्लेन कपड़े में दोस्तों आप सिर्फ लैस और बटन के मदद से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हो, आपको इसमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये गला कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।